सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियां व ग्रामीण महिलाएं पुरुष सभी इस कार्ड को जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि सरकार सभी के खाते में देने वाली है 1,000 रुपये। आपको यह काम करना होगा। चलिए बताते हैं वीडियो में जानकारी, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और चैनल अपने वहाँ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जिस कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वह है ई श्रम कार्ड। ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से सरकार श्रमिक कार्ड धारकों को 500 रुपये हर महीने उनके खाते में भेजे जाएंगे। यह पैसे उनको 4 महीने तक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि कुल 2,000 रुपये किस्त के रूप में 500 रुपये करके आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सभी नागरिकों द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन की जाँच अभी चल रही है फिलहाल में। जैसे कि आपने ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर दिया, ठीक है, अब उसकी जांच चलेगी कि आप पात्र हैं, ये वैध है या नहीं वैध है, या फिर आप पात्र हैं अपात्र हैं, या इस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, तो ही आपको इसमें पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। क्योंकि अभी जांच चल रही है फिलहाल के दौर में, क्योंकि कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि कब तक पैसा आएगा, इसका मैंने वीडियो बहुत पहले बनाई हुई थी। तो जो नागरिक इसके लिए पात्र होंगे उन्हीं के खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे। जाँच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। कुछ इस तरीके से सरकार पैसे दे रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया सारी वीडियो, मतलब इनको लेकर के मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। इसमें मकसद ये था कि ये कब तक पैसा आएगा, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, लोगों के सवाल आ रहे थे। तो देखिए, पैसा इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इसकी जाँच चल रही है। जाँच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो पात्र होंगे उन्हीं के खाते में आएगा, जो अपात्र होंगे उनके खाते में नहीं आएगा। महिला हैं, पुरुष हैं, श्रमिक हैं, आप सभी इसमें आवेदन जरूर करें, और स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ भी आवेदन कर सकती हैं। और आप लोग ये CSC जनसेवा केंद्र से इसके लिए जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें जैसे श्रमिकों के लिए ये श्रम कार्ड बन रहा है, तो ज़्यादातर लोग अब तो जो श्रमिक नहीं है वो भी बनवा ले रहे हैं, और ज़्यादातर समूह की दीदी श्रम के रूप में काम करती हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं, पात्र होंगे उनको पैसा भी मिलेगा। तो जल्द से जल्द आवेदन करें, और बाकी अगर नई अपडेट आती है तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। जैसे कोई नई जानकारी आती है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।